आदेश जारी किए हैं और उसके विरोध में जो है हड़ताल सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं आज ये सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने लग रहे हैं और हालांकि सरकार के खिलाफ इनका काफी रोष है और आज ये डीसी के माध्यम से जो है ज्ञापन सौंपेंगे। अच्छा जी, किस तरह से आज आपने प्रदर्शन किया, क्या मांगे? दीनबंधु सर छोटू राम ने हरियाणा और पंजाब पूरे समूचे हिंदुस्तान के किसानों के हित में मंडी एक्ट लागू किया था, मंडी काटी गई थी और आज ये देश प्रदेश की सरकार मंडी को ख़त्म कर रही है। इसके एवज में आड़ती जो था वो किसान का पैरोकार बन करके आड़ती किसान की फसल का ऊंचे दाम में बिकवाने का काम करता था, लेकिन आज ये किसान विरोधी सरकार तीनों अध्यादेश ला करके किसान की पीठ में छुरा घूम पड़ेगा और आड़ती की कमर तोड़ने का काम कर रही है। बिल्कुल, हम सभी आड़ती और किसान आज इस तीनों अध्यादेशों के खिलाफ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, तीनों अध्यादेशों के खिलाफ आज ये इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आज का जो ये प्रदर्शन किया? आज का प्रदर्शन, आज जो तीन अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, ये किसान विरोधी, आड़ती विरोधी, मजदूर मुनीम विरोधी है। तीन अध्यादेश को वापिस लिया जाए। बिल्कुल, आड़तियों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो है जो अध्यादेश आए हैं उनको सरकार वापस ले, नहीं तो जो है ये और आंदोलन करेंगे। और आज जो है इन्होंने डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, न्यूज़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जींद।